गृह मंत्री हरियाणा सरकार, किसी मंत्रालय का नाम तो मैं क्या लूं, ऐसा कोई महकमा नहीं होगा जिनके मंत्री ना रहे, चाहे वो गृह मंत्री हो चाहे वित्त मंत्रालय हो, ये दो बड़े महकमे रह जाते हैं, इनके दोनों के मंत्री लंबे टाइम रहे, सभी महकमों के मंत्री रहे हैं। इनका हमारे गांव खेतड़ में आने पर हमारे धरना कमेटी की ओर से, गौशाला कमेटी की ओर से, माताओं बहनों की ओर से, नौजवान साथियों की ओर से हमारे साथ समय बिताने के लिए, हमें सहयोग और आशीर्वाद देने के लिए यहाँ पधारने पर इनका हार्दिक स्वागत करते हैं। और साथ में मैं अपनी सभी माताओं बहनों का भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि लगातार इतनी गर्मी में काम होते हुए हमारे नौजवान साथी, जिनके स्कूल कॉलेजेज लगे हुए हैं उसके बावजूद वो भी अपना टाइम दे रहे हैं। हमारे बुजुर्ग जिनको खेतों में अपनी ड्यूटी देनी थी, अभी बारिश हुई है, नूला निदान जो भी ड्यूटी है उसके साथ चाय पानी का या अपने डेरे की देखभाल का जो काम है वो सब छोड़ के आप सभी गौ माता के लिए, गांव के लिए इस संघर्ष समिति का साथ दे रहे हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं इस बात के लिए। और साथ में एक बात मैं आप लोगों के सामने जरूर रखना चाहता हूँ कि मेन बात ये है कि सभी साथियों की बातें आपस में एक दूसरे से होती रहती हैं। दोबारा से फिर हमने सभी साथियों से ये आग्रह किया है कि आप सभी आपस में मिलकर जो भी साथी जिससे बात करवा सकता, बड़े अधिकारी से, कर्मचारी से, मंत्री से, मुख्यमंत्री से, ओएसडी से, जिससे भी बात करवा सकता है, तो आप उस लाइन को जारी रखें और जिसका जो भी रास्ता बनता है वो हमें बताएं। जिसके पास कोई बुलावा आएगा, जो भी समय देगा, हम सभी साथी जाकर उनसे मिलेंगे। और आप लोगों को मैं इस बात की उम्मीद जता सकता हूँ कि आपका संघर्ष एक दिन फल जरूर लाएगा। इसमें समय लग सकता है, इसमें परेशानियां आ सकती हैं, आप जीतेंगे जरूर। आपका ज्यादा समय न लेते हुए, काफी समय हो गया है, प्रोफेसर साहब से भी मैं विनती करना चाहूंगा कि वो आए और 2 मिनट के लिए, 10 मिनट के लिए, जितना समय उनके पास उपलब्ध है उसके लिए हमें आशीर्वाद दें। इनका अनुभव बहुत ज्यादा है, ये हमें दिशा निर्देश दें। प्रोफेसर संपत सिंह, गौशाला बचाओ संघर्ष समिति और इस धरने की संघर्ष समिति में उपस्थित सभी भाइयों और बहनों, सबसे पहले तो मैं इस बात की दाद देता हूँ, आपको मुबारकबाद देता हूँ कि आज महीने से ऊपर हो गया, घरों में 100 काम है, खेतों में 100 काम है, उसके बावजूद दिन रात आप इस धरना स्थल पर बैठे हैं। और लक्ष्य क्या है? गौ माता को बचाना है, गौ को बचाना है, गौशाला को बचाना है। अभी हमारे गायक साथी आपको आपके भजन के मार्फत एक बहन की दुविधा गिना रहे थे, आपको कठिनाई बता रहे थे। कौन सी बहन की? जिस बहन का भाई साधु बन गया, जोगी बन गया, बाबा बन गया, राज का छोड़ के बन गया, यही बात थी ना? हाँ जी। आज उल्ट हो रहा है, आज सारे जोगी, सारे बाबा, सारे साधु राजकाट में आ गए, सारे राजपाट में है। जिसको देखो देश का प्रधानमंत्री तो वो भी बाबा, यूपी सारों बड़ी स्टेट है उसका बाबा, देखो कौन प्रधान, उसका चीफ मिनिस्टर बाबा, हरियाणा का कौन चीफ मिनिस्टर बाबा, हरियाणा का होम मिनिस्टर कौन बोले बाबा, ये बाबे तो सारे के सारे बाबे कहाँ आ गए? राज में आ गए। उल्टा काम हो गया है आपको, अब उल्टी कविता लिखनी पड़ेगी या छोड़नी पड़ेगी, ये बापे तो सारे राज में आ गए। और यही कारण है कि आज जो है घर गृहस्थी वाला हर आदमी दुखी है, हर आदमी परेशान है, इन बाबाओं की वजह से है। बात चल रही थी राजनीति की, राजनीति तब रह ही नहीं गई है, राजनीति गई आई, राजनीति किसी पुराने वक्त हुआ करते थे, तो राजनीति करा करते सर छोटू राम के टाइम में, चरण सिंह के टाइम में, चौधरी देवीलाल जी के टाइम में। आज राजनीति नहीं है, आज स्वार्थ नीति आ गई है, परिवार नीति आ गई है। 2014 की बात है, चुनाव हो रहा था पार्लियामेंट का, एक तरफ मैं खड़ा था और एक तरफ दो नेता और खड़े थे, नारा कह लग गया, बोला जाट और गैर जाट का नारा लग गया। और जाट कौन गया? जो बड़े बाप का बेटा था, बड़े बाप का दादा का पोता था, वो तो हो गया जाट है। और गैर जाट कौन हो गया? जो बड़े बाप का चीफ मिनिस्टर रह लिया, जो गैर जाट उसका बेटा था।
और मैं खड़े गया, मेरा बाप ना चीफ मिनिस्टर रहेगा ना प्रधानमंत्री रहेगा, मेरा माँ और बाप तो आड़ी और पाड़ी थे, गऊ का दूध खटिया करते थे, मना कौन पूछा था। ये नारा आपके सामने लग गया और सामने लग गए, बोले यो फलाने का पोता है, अभी गाय कह रहा था फलाने के पोते है के मैं दादा की तस्वीर दिखा है, ये तस्वीर वाले तो उस टाइम बन गए, और बिना तस्वीर वाला जो थारा भाई भतीजा था, थारा मेल खाता था, उसकी कोई गिनती ही नहीं थी। ये हाल हो रहा है राजनीति के अंदर, अगर ये हाल राजनीति में होगा तो स्वाभाविक हमारी पूछ कौन करेगा, और पूछ न करने की वजह से एक साल तक तो आप दिल्ली के धरने पर बैठे रहे, एक साल पूरा किसान का लग गया दिल्ली में, चाहे वो कोरोना काल आया, चाहे वो सर्दी आई, चाहे वो गर्मी आई, तूफान आया, आंधी आई, पुलिस की लाठियां आई, पुलिस का प्रबंध इतना जितना किया गया था आज तक कहीं नहीं पड़ हुआ, और उसके बावजूद जो है वहां सारे के सारे एक वहां बैठे रहे अपनी जमीन बचाने के लिए। आज आंदोलन किस बात के लिए चल रहे हैं, कहीं भूमि बचाने के लिए आंदोलन करना पड़ता है, कभी फसलें बचाने के लिए आंदोलन करना पड़ता है, कभी खाद बचाने के लिए आंदोलन है, कभी बीज बताने के लिए आंदोलन है, कभी बिजली प्राप्त करने के लिए आंदोलन है, कभी किसी काम के लिए आंदोलन है, कभी किसी काम के आंदोलन, लेकिन यहाँ तो गौशाला बचाने के लिए आंदोलन, ऐसा आंदोलन नहीं देखा, और सारे किस्म के आंदोलन देख लिए, गौ माता को बचाना है, गऊ को, और गऊ का नाम लेके ये सरकार जो है आज पार्टी जो है ये सरकार में आई हुई है, जगह जगह गऊ का नाम लेते हैं, नंदीशालाएं खोल रहे हैं, जगह जगह काम कर रहे हैं, और खेतड़ के गांव के लिए अगर आंधी चले तो या राखी सारी की सारी आपके आंखों में जाती है, या राखी आपके पानी में जाती है, या राखी आपके घरों में जाती है, आपके बिस्तरों तक में जाती है और सबको बीमार कर देती है। और बात आती है राखी बेचने की, बात आती है गौशाला के हित की, बात आती है तो कहते हैं कि कुछ पैसा जो है ना आपका अनुदान बांध देते हैं। क्यों बांध देते हैं अनुदान? अगर अनुदान बांधना है तो टन के हिसाब से बांध दो, वजन के हिसाब से बांध दो। अगर अनुदान बांधना है, कल ना सारी राखी एक बार में ठा ले जाएंगे। एक बार ऐसा हुआ था, मैं हिसार में एक साधारण बाईपास बन रहा था, उसमें राखी की जरूरत थी, ठेकेदार काम कर रहा था, उस टाइम राखी यहाँ बंद हो गई। क्यों बंद होगी? वो यूनियन की वजह से बंद हो गई थी, ट्रक यूनियन वालों की वजह से, कि यहाँ की लोकल ट्रक यूनियन उठाएगी, ठेकेदार की ट्रक क्यों उठाएंगे। तब मैंने उनका समझौता कराया था उस टाइम में, तो मुझे पता है कि राखी तो उठानी होगी तो चार दिन में उठा देंगे राखी, ये फिर क्या करेंगे? गौशाला के लिए कौन कब देगा पैसा, कहाँ से आएगा गौशाला के लिए? और इसी के आधार पर गौशाला बनी है। अगर गांव के लोग इस आधार पर ना बनाते, कोई और आधार पर गौशाला बनाते, तो आज आपका हक नहीं था गौशाला के लिए पैसा मांगने का। लेकिन इसी आधार पर, नींव इसी आधार पर गौशाला रखी गई है। इतना बड़ा गांव है, हजारों गाय हैं, हजारों उनके बछड़े हैं, हजारों और आवारा पशु है। हमारी साइड में भी गौशाला आ गई, जबकि हमारी साइड में तो फाटक हुआ करते थे, गौशाला को मेल ही नहीं था। वहां भी हर गांव के अंदर गौशालाएं हैं, और यहाँ आपके तरफ तो गौशाला का आज का नहीं पुराना रिवाज है। हमारा जितना ये देश वाली बेल्ट है, इसमें तो शुरू से रिवाज रहा है गौओं की सेवा करने का रहा है। लेकिन आज सरकार जो है उल्ट कर रही है, तो इस तरह से उल्ट करेगी सरकार तो स्वाभाविक है, देखो कभी तो धरने पर बैठना ही पड़ेगा। और मैं तो ये कहना चाहता हूँ, सरकार को बात सुननी चाहिए, और कल ना वो ना करना पड़े कि हमारे तो आंदोलन सुन ना नहीं आया, इसलिए हम तो माफी चाहते हैं और आपकी मांग को मान लेते हैं। हुआ था ना ये बेटे नैन जाया करती रोज उड़े, और आप में से हजारों लोग जाया करते वहां, तो बताओ आप जब ये बात बाद में मानोगे फिर फायदा क्या होगा? लोग आगे जान काट के बाद में मानोगे, परेशान करके बाद में मानोगे? आज के काम नहीं है, आज खेत में काम है, खड़े में काम है। आदमी काम करेगा अपना खेत का, काम करेगा अपना घर का। अब माँ और बहने जो है 12 बजे आप लोग आती है, 12 बजे क्यों आती है? कि सवेरे घर का काम करके आओ ना यहाँ, और बाद में 4 बजे जो विश्राम करने का बीच का टाइम है, वो विश्राम वाला टाइम सारा का सारा धरना पसीना काटना पड़े हटा के, बाद में जाके फिर काम करते हैं। खाली कौन बैठा है? खाली यहाँ किसान बैठे हैं, ये माता है मैंने बैठी है, कोई खाली नहीं है, सारे के सारे अपने अपने काम वाले हैं। तो इन लोगों को जो अपनी मूछ नीची करने की रुचि करने की जरूरत नहीं है, लोगों की बात को मान लेना चाहिए, ये सवाल कोई इज्जत का नहीं है। और जब मांग कर रहे हैं जोगीराम जी ने सीधा साहब का कि कोई आए बात तो करे हमसे,
हमसे बात करेगा तो हम मानने के लिए तैयार हैं, आ जाए हमारे पास सामने बताए, हम मान लेंगे, कोई दिक्कत को नहीं, कोई ऐंठ नहीं है, कोई आंदोलन किसी खिलाफ नहीं है, आंदोलन एक मांग को लेकर है, सरकार पूरी करे, कोई आए, मंत्री आए, कोई संतरी आए, उनका कार्यकर्ता आए, कोई उनका चेयरपर्सन आए, कोई आए, उसके लिए तैयार है, फिर और क्या चाहिए। मैं तो ज़्यादा नहीं कहता हूँ, आपको यही कहना चाहता हूँ कि मेरी तरफ से पूरा सहयोग आपको रहेगा, और इसमें जैसे जोगीराम जी ने कहा, इस आंदोलन में आपको जीत जरूर प्राप्त होगी, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जोरदार ताड़ी बजाकर भाई प्रोफेसर साहब का स्वागत करें। एक भारतीय जनता पार्टी में होते हुए एक ही और